गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के पोयम 10 के बारे में, जिसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको कंपोज किए हैं स्वामी विवेकानंद। इस पोयम के माध्यम से विवेकानंद जी एक संदेश देते हैं कि जीवन में अनेक कष्ट हैं। स्वामी विवेकानंद जी इस कविता में प्रेरणा देते हैं कि इन कष्टों से कभी विचलित न हो, भगवान पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। तो आइए इस पोयम को देखते हैं। द वाउंडेड स्नेक, वाउंडेड मतलब हो जाएगा घायल सांप, इट्स हुड अनफॉल्स, अनफॉल्स मतलब हो जाएगा फैला देना, हुड मतलब फन, घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम मतलब ज्वाला या अग्नि, स्टीयर्ड अप जब उसे कुरेदा जाता है, दथ ब्लेज तो उसकी लपटें जो है वह भड़क उठती हैं। जब अग्नि को कुरेदा जाता है तो उसकी लपटें भड़क उठती हैं। द डिजर्ट या रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्टक लायंस रेस, हार्ट स्टक का मतलब हो जाएगा घायल, घायल शेर जब रेज मतलब गुस्से में, काल्स का मतलब दहाड़ता है, तब डिजर्ट मतलब रेगिस्तान की एयर मतलब हवा, री साउंड मतलब गूंज उठती है, जब घायल शेर गुस्से में दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्टेंस, बादल पुट्स मतलब रखता है, फोर्थ मतलब सामने, इस डेल्यूज, डेल्यूज मतलब हो जाएगा बाढ़ लाने वाली, स्टेंज मतलब शक्ति, बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। व्हेन मतलब जब, लाइटनिंग मतलब आकाशीय बिजली, क्लिप्स मतलब चीर देती है, इट्स प्रेस्ट मतलब इसके सीने को, जब आकाशीय बिजली बादल के सीने को चीर देती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। व्हेन द सोल इज स्टीयर टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि व्हेन द सोल, जब किसी महान व्यक्ति की आत्मा को स्टीयर्ड अप मतलब कुरेदा जाता है, इट्स इन मोस्ट डेप्थ इसकी अधिक गहराई में, ग्रेट वंस तब वह महान व्यक्ति अनफोल्ड देयर बेस्ट अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता का उद्घाटन करते हैं। आगे विवेकानंद जी कहते हैं कि लेट आईज ग्रो डीम, आंखें ग्रो डीम मतलब कमजोर होती हैं तो हो जाने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेंट और कानों से यदि कम सुनाई देता है तो कम सुनने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल यदि मित्रता विफल होती है तो हो जाने दो, एंड लव बिट्रे और यदि प्रेम में बिट्रे मतलब धोखा मिलता है तो हो जाने दो, लेट फेट इट्स हंड्रेड हॉरर्स सेंट, फेट मतलब हो जाएगा भाग्य, यदि भाग्य हंड्रेड मतलब सैकड़ों, हॉरर्स मतलब परेशानियों को, सेंड मतलब भेजता है तो भेजने दो, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और यदि क्लॉटेड मतलब घना, डार्कनेस मतलब अंधेरा, यदि घना अंधेरा ब्लॉक द वे मार्ग को रोकता है तो रोकने दो, एंड नेचर और प्रकृति वर वन एंग्री फ्रोन अपने भावों को गुस्से से चढ़ाती है तो चढ़ाने दो, टू क्रश यू आउट तुम्हें नष्ट करने के लिए, यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने के लिए अपनी भावों को चढ़ाती है तो चढ़ा लेने दो, स्टील नो माई सोल मेरी आत्मा तुम जान लो, यू आर डिवाइन तुम दिव्य हो, मार्च ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, तुम निरंतर आगे बढ़ती रहो, नॉर राइट नॉर लेफ्ट,
ना तो तुम दाएं मुड़ो और ना ही बाएं मुड़ो, बट टू द गोल, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती चलो।